राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री राजस्थान में होती उससे पहले प्रदेश कांग्रेस के सामने राजस्थान संकट फिर खड़ा हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दरार थोड़ी और बढ़ गई है। गहलोत ने अब सचिन पायलट को गद्दार कह दिया है और कहा कि पायलट कभी राज्य के सीएम नहीं बन सकते। 24 नवंबर को एक निजी चैनल से बात करते हुए गहलोत ने कहा, विधायक किसी ऐसे को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जिसने विद्रोह किया हो, जिसे गद्दार करार दिया गया हो, वो सीएम कैसे बन सकता है? विधायक ऐसे शख्स को सीएम के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मेरे पास सबूत हैं कि विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए थे ताकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को गिराया जा सके। गहलोत के इस बयान के बाद राजस्थान के साथ साथ दिल्ली में भी हलचल देखने को मिली। सचिन पायलट ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा, इस प्रकार के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कैसे पार्टी को मजबूत करें। गहलोत सीनियर और अनुभवी नेता हैं। मुझे नहीं पता कि कौन उनको मेरे बारे में झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की सलाह दे रहा है। आज भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने की जरूरत है। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जब वे प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष थे तब राजस्थान में बीजेपी बुरी तरह हारी थी, बावजूद इसके कांग्रेस अध्यक्ष ने गहलोत को दूसरा मौका देते हुए सीएम बनाया था। आज फिर इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि कैसे राजस्थान में चुनाव जीता जाए। बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की भी प्रतिक्रिया आई। वे बोले कि अशोक गहलोत एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनीतिक नेता हैं। उन्होंने अपने युवा सहयोगी सचिन पायलट के साथ जो भी मतभेद व्यक्त किए हैं उन्हें हल किया जाएगा और पार्टी को मजबूत किया जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।